आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बेल बटन आ जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिए, आपको मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल। आज हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स डेरिवेटिव के, तो इसको आप कर लोगे तो आप प्लस टू में अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है, प्लस टू वालों के लिए और डिप्लोमे वालों के लिए। तो ये सम में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसकी मैं स्मार्ट ट्रिक पे बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। तो कैसे देखते हैं, तो फर्स्ट क्या है, सम डिस्कस करते हैं। फाइंड डीवाई अपॉन डीएक्स, तो ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड डिफरेंशिएशन, तो ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएट, तो ये क्वेश्चन दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फाइंड डीवाई अपॉन डीएक्स इफ, तो ऐसे ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो हमने करना कैसे है, पहले क्या दिया हुआ है फाइंड डीवाई अपॉन डीएक्स, तो इसको हमने क्या कर लेना है वाइज कर लेना है, क्योंकि हमने वाई निकालना है, वाई ऊपर है तो इसको क्या मान लिया हमने वाई, अब नीचे एक्स है, इसका मतलब ये फंक्शन किसका है, एक्स का ही है, तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा। पर हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं अभी। अब हमने क्या करना है, देखिए ये क्या है साइन इनवर्स, इतना बड़ा फॉर्मूला है ये तो 2x1 + x2। अब ये इनवर्स है तो ये ऐसे है, तो देखते हैं इसका कुछ बनता है साइन 2x/1 + x2, मीन्स हम इसमें क्या पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, फिल करें कि ये छोटा हो जाए, क्या हो जाए छोटा। तो यार ये क्या है, अब देखिए इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा, यहां हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करें, अब क्या पुट करें tan थीटा, तो ये बनता है कुछ फॉर्मूला, ये देखिए फर्स्ट वाला 2 tan θ 1 + tan²θ is sin 2θ, तो ये बनता है भाई, तो इसको देख लेते हैं y is equal to sin inverse 2 tan θ over 1 + ये tan²θ बन जाएगा, बन गया ना अपने आप ही, तो ये बन गया है, ठीक है, तो ये बन गया है, ये किसका फॉर्मूला है sin inverse, ये किसका है साइन 2θ का, अभी मैंने बोला इसको क्या लिख सकते हो साइन 2θ, छोटा कर दिया ना, इसका यही कंसेप्ट है कि इसको छोटा करना है, छोटा करना है, और ये इनवर्स है, ये साइन है, ये आपस में कट जाएंगे, और बचा क्या 2θ। अब बोल रहे हो सर ये तो अब थीटा आ गया, अब क्या करें, देख लेते हैं यहां से थीटा नहीं निकाल सकते, अब थीटा इज इक्वल टू ये टैन उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का टैन इनवर्स, साथ में क्या आ जाएगा एक्स, ये टैन यहां जा रहा है एक्स के पास, तो जब भी साइन कोई भी हम फंक्शन को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो उसमें माइनस का निशान लग जाता है, तो ये बन गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये क्या बन गया 2 tan inverse एक्स, तो ये वाई था, अब हमने क्या निकाला डीवाई अपॉन डीएक्स, तो हम अब क्या कर देंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम निकाल क्या रहे थे डीवाई अपॉन डीएक्स, तो 2 का 2 वैसे आ जाएगा, तो रह क्या गया हमारा टैन इनवर्स एक्स, तो इसका मैंने फॉर्मूला मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसका मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था 1 + x2, यही फॉर्मूला लिखवाया था मैं, तो यहां आ जाएगा 1/1 + x2, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 आएगा, तो इतना भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट है, तो इजी है। इसमें जस्ट 3 स्टेप है, फर्स्ट क्या चीज पुट करें कि ये बन जाए, तो यहां देखिए सिंपल क्या किया टैन किया तभी ये बना, तो मैंने देखा हुआ था कि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको लर्न करने के लिए बोला था आपको कैसे याद करना है बताया था, तो ये बन गया, तो आगे क्या किया ये थीटा है, तो थीटे को ऐसे कर लिया आपने, 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप क्या किया डेरिवेटिव ही हमने किया, डेरिवेटिव की कैसे हमने लर्न करना है याद रखना है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आते हैं ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो अभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से भागते हैं, यार सर ये तो डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा हमारे, तो हो जाएगा यार इजी है,